Hi guys, welcome to Anushala by Anushree. This is the lecture number 5 for class 9th history, chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. पिछले lectures में हम देख चुके हैं कि socialism क्या है, liberals, radicals और conservatives जो ideologies हैं, उनका क्या कहना है, साथ में रशिया की कौन सी conditions थी जिसकी वजह से पूरे यूरोप से अलग होकर वहां पर socialist लोगों की government बनती है. ठीक है, ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में कैसे वहां पर जो वर्कर्स हैं और जो पीजेंट्स हैं दोनों ही परेशान हैं और दोनों ही क्या कर रहे हैं, सोशलिज्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. ये उसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब इस लेक्चर में जो हम आगे कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है, वो किस तरीके से वर्कर्स ने और पीजेंट्स ने अपना पॉलिटिकल अपीयरेंस शुरू किया उसके बारे में. पॉलिटिकल अपीयरेंस शुरू करने का मतलब क्या है, ग्रुप्स थे पीजेंट्स के और वर्कर्स थे, उनके कुछ लीडर्स सामने आए, फिर उन लोगों ने अपने एसोसिएशंस को पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, ठीक है, ताकि वो एक पॉलिटिकल अपीयरेंस दे सके, लोगों के सामने एक पॉलिटिकल पार्टी बन के खड़े हो सके. ठीक है, तो यहाँ पर वर्कर्स की और पीजेंट्स की दोनों की पॉलिटिकल पार्टी बनेगी. बट 1914 से पहले, बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया. 1914 से पहले रशिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बन रही थी वो सब की सब इलीगल थी, मतलब उनको लीगल स्टेटस नहीं दिया गया था. उनके किसी भी एक्शन को, उनके किसी भी स्ट्राइक को, डेमोन्स्ट्रेशन को सीरियसली नहीं लिया जा सकता था. क्यों? क्योंकि वो इलीगल थी. लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि उनको बिल्कुल ही सीरियसली नहीं लिया गया? गवर्नमेंट या जिसको आप मोनार्क कहेंगे, ज़ार, हो सकता है वो उतना सीरियसली ना ले, लेकिन जो लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उन लोगों को इलीगल लीगल से मतलब नहीं था. उनको मतलब था कि पार्टी के मोटिव क्या है ना, वो वर्कर्स के लिए काम कर रही है, वो पीजेंट्स के लिए काम कर रही है, वो सोशलिज्म को लाने की बात कर रही है. तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से अफेक्ट तो लोगों को पड़ता है और सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू होते हैं. देन देखते हैं कि इलीगल जरूर थी पार्टीज, लेकिन दो पार्टीज थी जो वर्कर्स के लिए और पीजेंट्स के लिए बनी हुई थी. इन 1898 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है, बाय द नेम इटसेल्फ सजेस्ट वर्कर्स पार्टी, मतलब ये जो पार्टी है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इट वाज फॉर द वर्कर्स, राइट. ये वर्कर के राइट्स के लिए लड़ रही थी कि उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, अकोमोडेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए और जो सैलरी है, जो वेजेस है, वो भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. और ये सारे लोग किसके आइडियाज को फॉलो कर रहे थे? कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स के आइडियाज को फॉलो कर रहे थे. तो इनका ये कहना था कि वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दे आर अर्निंग दैट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द हार्ड वर्क डन बाय द वर्कर्स, ठीक है. तो ये वाली पार्टी जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, यही पार्टी आगे जाके दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इनके आइडियाज थोड़े से कहीं ना कहीं क्लैश करने लगेंगे, ठीक है. देन 1900 में देखते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी. रेवोल्यूशनरी पार्टी, देखो दोनों में सोशल वर्ड आ रहे हैं, मतलब कि दोनों ही सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, दोनों ही सोशलिज्म के लिए लड़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है. डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी मतलब वर्कर्स के लिए है, और रेवोल्यूशनरी पार्टी फॉर द पीजेंट्स, ये फार्मर्स के लिए. हमने देखा था आउटस्कर्ट्स में या कंट्री साइड में पीजेंट्स की कंडीशन खराब थी. क्यों? क्योंकि जो भी लैंड को वो कल्टीवेट कर रहे थे उसकी ओनरशिप उनके पास नहीं होकर चर्च, क्राउन और नोबेलिटी के पास हुआ करती थी, ठीक है, जिससे उनको अपनी जमीन को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी थी, ठीक है. सो दिस पार्टी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट. और इनकी डिमांड क्या थी, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो पार्टीज या जो लोग पीजेंट्स का एसोसिएशन फॉर्म करते हैं उनकी डिमांड क्या रहती है, कि जो नोबेलिटी का लैंड है ना, द लैंड ऑफ नोबेलिटी, शैल बी given to them. और पीजेंट्स को क्यों चाहिए थी नोबेलिटी की जमीन? क्योंकि पीजेंट्स के मन में नोबेलिटीज को लेकर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी, जिसका कारण क्या था
कि नोबेलिटी और पीजेंट्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप वहां पर था ही नहीं, ठीक है। नोबेलिटी ऐसी अथॉरिटी है जिसको किसने रख दिया है, किसने अपॉइंट किया है, जार ने, ठीक है। तो यहाँ पर पीजेंट्स को यह लगता था कि एक तो आप कोई काम नहीं करने वाले हो इस फील्ड पर, हमसे काम करा रहे हो, लेकिन जितना भी प्रॉफिट हमारी मेहनत से अर्न किया जाएगा उसका बहुत कम हिस्सा हमारे पास आएगा और हमारा अल्टीमेटली एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर यह जो पीजेंट्स की पार्टी रहती है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, इनका क्या कहना होता है कि पीजेंट्स जो है दीज आर दी नेचुरल सोशलिस्ट। तो इन लोगों को क्यों नेचुरल सोशलिस्ट बोला गया, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, एक तरीके से सब मिलकर कल्टीवेशन करते थे और उसके बाद जो भी रिसोर्स, जो भी इनकम उससे जनरेट होती थी उसको आपस में डिवाइड कर लेते थे। अब यहां पर देखेंगे ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी होती है, मतलब जो पीजेंट्स की पार्टी है, ठीक है, इनका क्या मानना रहता है कि जो पीजेंट्स हैं दीज आर दी नेचुरल सोशलिस्ट। नेचुरल सोशलिस्ट क्या होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ऐसे सोशलिस्ट लोग, मतलब पीजेंट्स को क्यों बोला है नेचुरल सोशलिस्ट, क्योंकि वो जब उनको सोशलिज्म का आइडिया नहीं पता था तब से सोशलिज्म जैसी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, लोग मिलकर कल्टीवेट कर रहे हैं, फार्मर्स बहुत सारे, और जो भी इनकम उससे जनरेट हो रही है उनका एक हेड जिसको कम्यून बोलते हैं वो उनके बीच में उस रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो इस पार्टी का क्या मानना रहता है कि पीजेंट्स जो है इनको इस रेवोल्यूशन को आगे लेकर जाना चाहिए क्योंकि ये नेचुरल सोशलिस्ट है। लेकिन ये बात कौन नहीं मानता, वर्कर्स पार्टी। क्यों नहीं मानती वर्कर्स पार्टी, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये लोग सोशलिज्म जैसा कंसेप्ट फॉलो जरूर कर रहे हैं लेकिन दैट इज नॉट कम्प्लीटली सोशलिज्म। और साथ में इन लोगों के बीच में भी बहुत सारे डिविजन थे, ठीक है। दैट इज वाई कौन डिसअग्री कर देता है, वर्कर्स पार्टी जो होती है वो डिसअग्री कर देती है रेवोल्यूशनरी पार्टी से कि पीजेंट्स जो है वो नेचुरल सोशलिस्ट तो नहीं है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, दोनों पार्टीज के बीच में थोड़े से डिस्टेंसेस क्रिएट होते हैं। मतलब देखो, दोनों को सोशलिज्म चाहिए, वर्कर्स को भी और पीजेंट्स को भी, बट दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में डिफरेंसेस हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इनके एक्शंस में भी डिफरेंसेस आएंगे, ठीक। नॉट ओनली दिस, अब पीजेंट्स जो पीजेंट्स पार्टी है यानी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी है, ये अपना अलग काम कर रही है और वर्कर्स पार्टी अपना काम अलग कर रही है। यहाँ पर ये जो वर्कर्स पार्टी है इसके अंदर भी डिविजन हो जाता है। इसके अंदर कैसे डिविजन होता है, यहां पर एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है लेनिन, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन जो होते हैं इनकी लीडरशिप में यहां पर दो अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं सेम पार्टी के अंदर, ठीक है, जिसका नाम होता है बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स, ठीक है। मतलब वर्कर्स पार्टी के ही दो ग्रुप हो गए, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। लेनिन जो है, लेनिन किसके लीडर होते हैं, बोल्शेविक पार्टी के। लेनिन किसके लीडर है, बोल्शेविक पार्टी। अब ये दो ग्रुप्स है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वर्कर्स पार्टी के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी आएगा। बोल्शेविक जो लोग थे इनका क्या कहना था कि पार्टी में लिमिटेड मेंबर्स होने चाहिए, मतलब दे वॉन्टेड टू फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। मतलब कि मेंबर्स पार्टी में लिमिटेड होने चाहिए और ऐसे मेंबर्स होना चाहिए जो एक्चुअली कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, जो कुछ क्वालिटी ऐड कर रहे हो पार्टी को। सारे लोगों को बुलाकर आपको भीड़ नहीं बढ़ानी है पार्टी में। लेकिन मेंशेविक्स का क्या कहना होता है, मेंशेविक्स का कहना होता है कि पार्टी सारे लोगों के लिए है ना, हम सिर्फ एक ग्रुप एसोसिएशन है जो बाकी लोगों को भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसलिए हमें पार्टी को ओपन रखना चाहिए, पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, है ना, कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं होने चाहिए। लेनिन कोई बात नहीं जानती है तो क्या करते हैं, ये एक अपना अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं जिसको बोल्शेविक्स बोला जाता है, और यहाँ पर दूसरी जो पार्टी बसती है उसको बोलते हैं मेंशेविक्स। पार्टी नहीं,
एक तरीके से ये एक ही पार्टी के अंदर दो एसोसिएशंस बन गए. देन बोल्शेविक्स में लेनिन का क्या कहना होता है कि पार्टी को डिसिप्लिन में रहना चाहिए. पार्टी को किस तरीके से रहना चाहिए? डिसिप्लिन में. पार्टी के डिसिप्लिन में रहने का मतलब है कि जो मेंबर्स हैं उनको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, उनको जो भी डिमांड रखनी है उसका नेचर बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल होना चाहिए, है ना. आप अननेसेसरी कुछ भी डिमांड सामने नहीं रखोगे, ठीक है. क्यों? क्योंकि उसे वैल्यू कम होगी. इनको अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी थी. और वेंचर से कहना था कि पार्टी सबके लिए होनी चाहिए, ठीक है. तो इसको ओपन रखो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन मत रखो कि कौन सा व्यक्ति पार्टी का मेंबर बन सकता है और कौन सा मेंबर पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स. अब यहाँ पर लेनिन जो है ये किसके लीडर है? बोल्शेविक्स के. बोल्शेविक्स यहाँ से आगे जाएंगे, ठीक है. मेंशेविक्स भी रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन मेन फोकस अब आपका किस पे चले जाएगा? बोल्शेविक्स पे. क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो बोल्शेविक्स है विथ लेनिन एज देयर हेड, एज देयर लीडर, ये लोग जाकर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, ठीक है. और फिर ये कैसे चेंजेस लेकर आते हैं वो हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में. सो आई होप इतना क्लियर होगा. मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स समझ में आए होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनी और इनका पॉलिटिकल अपीयरेंस कैसे शुरू हुआ, ठीक है. ये इसके बाद जो आगे की कहानी है, मतलब अब हम एक्चुअली पढ़ने जाएंगे कि रशिया में रेवोल्यूशन कैसे हुआ. रशिया का रेवोल्यूशन में एक चीज देखने वाली है कि एक ही बार के किसी वॉर को या एक ही बार के किसी लड़ाई झगड़े को हमने रशियन रेवोल्यूशन नहीं बोला. इट इज अ सीरीज ऑफ अ लॉट ऑफ फाइट्स, ठीक है. बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो अलग अलग ईयर्स में हुए हैं, उन सबको मिलाकर हमने रशियन रेवोल्यूशन का नाम दिया है. सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द रशियन रेवोल्यूशन लेक्चर.